टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की बेटी को न्याय दिलाने डूंगरपुर पहुंचे परिजन, ससुराल के बाहर लिखा हत्यारा। उदयपुर में हादसों की सुबह बनकर आई शुक्रवार की सुबह, फतेहसागर और गंगूकुंड में डूबने से 2 व्यक्तियों की मौत। और उदयपुर के रूटेज रेस्टोरेंट और बियर बार पर चला बुलडोजर, अशोका टॉकीज के प्रांगण में बना अवैध निर्माण निगम ने किया ध्वस्त। उदयपुर की बेटी निधि पंचाल को न्याय दिलाने के लिए मालवीय लोहार समाज के कई पुरुष और महिलाएं उदयपुर से डूंगरपुर पहुंची तथा डूंगरपुर के प्रतापनगर स्थित निधि के ससुराल के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। समाजजनों ने निधि के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। समाज के लोग इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने घर के बाहर दीवारों पर काली स्याही से खूनी दरिंदों का घर, हत्यारों का घर तक लिख दिया। डूंगरपुर जिले के प्रतापनगर स्थित निधि के ससुराल के बाहर दीवारों पर लिखी हुई यह इमारत निधि के पियर पक्ष और समाजजनों के आक्रोश का परिणाम है। निधि को न्याय दिलाने के लिए डूंगरपुर पहुंचे उनके परिजनों और समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। उन्होंने निधि के ससुराल पक्ष पर दहेज के लालच में निधि को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। हमारी बेटी को 2020 के अंदर यहाँ पर शादी करवाई थी प्रशांत प्रकाश पंचाल के बेटे निशांत पंचाल से, और इनका छोटा बेटा है, क्या नाम है उनको, प्रशांत पंचाल। उसकी अहमदाबाद शादी हुई, तब से लेकर प्रशांत के ससुराल वालों ने गोल्ड ज़्यादा दिया और हम क्या है कि थोड़े से गोल्ड कम दे पाए, इस वजह से तब से इसको ताने मारे जा रहे थे। परंतु निक्की निधि जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके प्रथम संतान के रूप में जैसे ही पुत्री हुई तो उसके बाद इन लोगों ने उसको ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी दरमियान इनके छोटे बेटे के लड़का हुआ, तो हमारी बेटी को इस तरह से परेशान किया जा रहा था। दूसरा, इसकी जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसकी सगाई अभी उदयपुर में करी है, अभी उसकी आगामी कुछ महीनों में शादी होने वाली है, तो उसके जेवर के लिए निधि पे प्रेशर किया जा रहा था कि तू तेरे पियर वालों से जाके पैसे लेकर आ। और इस वजह से क्या है कि आए दिन उसके ऊपर छोटी मोटी थप्पड़बाजी वगैरह होती थी, लेकिन उस बच्ची ने, क्योंकि वो इकलौती थी, हम लोग भी ये चाहते थे घर ना बिगड़े, इसलिए हमने कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, वरना मार डालते। परंतु उस बच्ची ने मुझे, मेरे घर आकर मुझे ये कहा कि पुशी अंकल ये वाली बात है और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। परंतु 24/6 को अंततः वो दुखद घटना हो ही गई। अब ये चाहे कितना भी बचाने की छुपाने की कोशिश करें, परंतु बस वो चली गई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निधि को न्याय दिलाने तथा दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाने की मांग की है। उदयपुर निवासी निधि पंचाल की 4 साल पहले डूंगरपुर के प्रतापनगर कॉलोनी निवासी निशांत पंचाल के साथ शादी हुई थी। दोनों की करीब 2.5 साल की एक बेटी है। सोमवार को दोपहर के समय निधि पंचाल घर से बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। इसी दौरान उनकी 2.5 साल की बेटी घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनकर निधि की सास और ननद दौड़कर उनके पास पहुंचे तथा निधि को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद निधि को मृत घोषित कर दिया। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कई निधि होगी जो बहुत कुछ कहना चाहती है, बस फर्क इतना है कि समय पर उनकी आवाज को आप जरूर सुने। निधि पंचाल की जो मृत्यु हुई है उस पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया है और आज उसके परिजन कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है गिरफ्तारी को लेकर के, और जिस पर कार्रवाई की जा रही है डिप्टी साहब द्वारा और राजोरा साहब द्वारा, और अनुसंधान किया जाएगा। उदयपुर के आयड़ स्थित गंगूकुंड में भी एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई।
हाल ही में इसी कुंड में डूबने के चलते एक साथ दो लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार को भी यहां नहाने आए एक अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकलवाया और शव को मोर्चरी में रखवाया है। आयड़ के गंगू कुंड में भी शुक्रवार सुबह 9 बजे के आसपास नहाने गए 42 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। सूचना से सनसनी फैल गई। सूचना पर भोपालपुरा पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम के गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल दिया। मृतक की पहचान खटिकवाड़ा निवासी प्रहलाद 42 वर्षीय पुत्र नाथू खटिक के रूप में हुई है। शव को भोपालपुरा पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। शुक्रवार को नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम ने अशोका टॉकीज प्रांगण में अवैध रूप से बनाए हुए एक बार और एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल अशोका टॉकीज के बाहर सेट पैक के लिए छोड़ी हुई जमीन पर भूमि मालिक ने रेस्टोरेंट बनाकर उसे किराए पर दे दिया था। यह रेस्टोरेंट पिछले करीब 8 वर्ष से संचालित किया जा रहा है। इसे अवैध निर्माण बताते हुए निगम की टीम ने जेसीबी चलाकर उसे ध्वस्त करवा दिया। उदयपुर शहर में कभी अशोका सिनेमा के नाम से पहचानी जाने वाली जमीन पर इन दिनों कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है। इसी जमीन पर 8 वर्ष पूर्व बनाए गए एक अवैध निर्माण को निगम की टीम ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने रेस्टोरेंट संचालक को कई बार नोटिस भी दिए, जिस पर संचालक ने निगम को नोटिस का सिर्फ जवाब ही दिया और सेट बैक से रेस्टोरेंट नहीं हटाया, जिस पर आज निगम पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और रूटेज रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इसी दौरान निगम के अधिकारियों सहित पुलिस और होमगार्ड का जाप्ता भी मौजूद रहा। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनका परिवार अभी भी इंसाफ के लिए भटक रहा है। शुक्रवार को कन्हैयालाल टेलर की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम सभागार में हुए इस रक्तदान शिविर में 200 से भी अधिक यूनिट संग्रहित किया गया। कन्हैयालाल टेलर की दूसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को आयोजित रक्तदान शिविर में उदयपुर शहर के कई हिंदू संगठनों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ताओं और कई संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर हुए रक्तदान में युवाओं के साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान के बाद एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अनेक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई लोग मौजूद थे। मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बांसवाड़ा में एक माह पूर्व तालाब में एक शिक्षक का शव मिलने से मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने बांसवाड़ा आईजी से उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। एक माह पूर्व दर्ज नामजद रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर से
अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में करीब एक माह पूर्व तालाब में एक शिक्षक का शव मिला था और परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए मृतक शिक्षकों के परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने एक बार फिर आईजी कार्यालय पहुंचकर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों ने गढ़ी थाना अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की बेटी को न्याय दिलाने डूंगरपुर पहुंचे परिजन, ससुराल के बाहर लिखा हत्यारा। उदयपुर में हादसों की सुबह बनकर आई शुक्रवार की सुबह, फतेहसागर और कंगुकुंड में डूबने से 2 व्यक्तियों की मौत। और उदयपुर के रूटेज रेस्टोरेंट और बियर बार पर चला बुलडोजर, अशोका टॉकीज के प्रांगण में बना अवैध निर्माण निगम ने किया ध्वस्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।